यहाँ यही क्वेश्चन देखिएगा, है ना, हमने जो काम किया था, मैंने, हमारी घंटियाँ बज गई थी, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन था कि y इक्वल टू कोस थीटा, कोस टू थीटा, कोस फोर थीटा और कोस एट थीटा, ये क्वेश्चन था। फिर हम से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड किया, साइन से मल्टीप्लाई, साइन से डिवाइड, साइन के स्मॉलेस्ट, साइन को स्मॉलेस्ट एंगल लिया, स्मॉलेस्ट, इसमें दो एंगल है, एक तो लार्जेस्ट एंगल है, लार्जेस्ट एंगल ये रहा बड़ा वाला एंगल, और स्मॉलेस्ट एंगल ये रहा। हाँ, और ये रहा आपका लार्जेस्ट, हाँ जी। फिर हमने टू से टू साइन से मल्टीप्लाई किया, उससे डिवाइड किया, लेकिन यहाँ थोड़े से देखिएगा, हाँ जी, आ जाइएगा, यहाँ देखना क्या था सर वो बताइए आप। तो फिर बनना क्या था, इसको किस तरीके से सोल्व किया जाएगा, इसको किस तरीके से सोल्व किया जाएगा, यहाँ देखिएगा एक बार। हाँ जी, देखिएगा बेटा, टू से टू साइन स्मॉलेस्ट एंगल था, ठीक, इससे मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, मेरे पास यहाँ बना साइन टू थीटा, और फिर हमें टू की जरूरी यहाँ, है ना, तो हमने टू से डिवाइड कर दिया, और ये क्या बन गया आपका, ये बन गया साइन फोर थीटा। फिर हमने टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और टू से मल्टीप्लाई किया, और ये बना दिया साइन एट थीटा। फिर हमें टू की वापस मल्टीप्लाई करनी पड़ी और ऐड करना पड़ा, तो ये बन गया आपका साइन 16 थीटा। ओके, और हमारा आंसर निकल के आया था साइन 16 थीटा डिवाइड बाई 2 की पावर 4 साइन थीटा। अब हमें ये भी बार बार नहीं करना है, ये भी बार बार नहीं करना है, इसको थोड़ा सा और इजी तरीके से किस तरीके से समझा जाएगा बेटा। विकास थोड़ा सा ध्यान दे, है तो जो बातें कर रहे हैं ना, हम, मुझे पता है कि आपकी अच्छी दोस्ती हो रखी है, लेकिन ये तो पर्सनली बातें कर लें, ये जो बातें हैं ना, जो जेईई मेंस और एडवांस का टॉपिक है ये, तो यहाँ से क्वेश्चन चलता है, मेरी बात बार बातें इसी पे होती है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हाँ, अब सोचिएगा नेक्स्ट बात जो मैं लिख रहा हूँ, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है आपका, ये बात आपने की है ना, ये बात यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, जो आप आंसर निकल के आया है, आपका आंसर निकल के आया है, इस आंसर को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये आंसर मैं यहाँ डिफाइन करने वाला हूँ।